जबलपुर शहर में बन रहे मदन महल से दमोह नाका के बीच बन रहे फ्लाईओवर के विस्तारीकरण को सरकार से मंजूरी मिल गई है। फ्लाईओवर को गोपाल बाग से दमोह नाका तक लगभग 900 मीटर का विस्तार दिया गया है। लगभग 78 करोड़ की लागत से यह निर्माण होना है। हालांकि मौजूदा कंपनी ने इसका काम करने से ये कहते हुए मना कर दिया है कि तय लागत से अधिक खर्च आएगा। अब लोक निर्माण विभाग नए सिरे से इसका टेंडर बुलाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। पहले मदन महल से गोपाल बाग तक फ्लाईओवर निर्माण का ठेका हुआ था, बाद में केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त लंबाई बढ़ाने की मंजूरी दी गई। करीब 78 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए। फ्लाईओवर निर्माण करने वाली एजेंसी NCC को ही यह कार्य देने की पेशकश की गई, लेकिन कंपनी ने कदम पीछे खींच लिए। मजबूरी में लोक निर्माण विभाग की तरफ से नई निविदा जारी करने के लिए शासन के पास प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया। अब इसकी मंजूरी मिली है। लगभग 900 मीटर के अतिरिक्त हिस्सा निर्माण होना है। इसमें दमोह नाका चौक पर रोटरी के अलावा 200 मीटर आधार ताल की ओर और 200 मीटर लंबाई दमोह रोड की तरफ फ्लाईओवर की ओर बढ़ाई जानी है। नया टेंडर नहीं होने के कारण गोपाल बाग तक ही पियर निर्माण हुआ है। आगे का काम नई निविदा तक के लिए रोका गया है। फ्लाईओवर निर्माण से पहले दमोह नाका के आसपास करीब भू अर्जन की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए करीब 200 निर्माण हटाने पड़ेंगे। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया है। इसके अलावा बिजली लाइन और अंडरग्राउंड पाइपलाइन व सीवेज लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। शहर में बन रहे फ्लाईओवर का काम 2023 में मौजूदा कंपनी को पूरा करना है। कंपनी ने अभी तक 30% काम पूरा कर लिया है। इसमें मदन महल की रोटरी का काम चालू है। इसके अलावा मदन महल थाने की ओर स्टे केबल ब्रिज के लिए पायलान का काम चालू है। फ्लाईओवर में हर पिलर के बीच 36 मीटर लंबे स्पान कंक्रीट के रखे जा रहे हैं, लेकिन रानीताल और बलदेव बाग के बीच यातायात अधिक होता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में 65 मीटर लंबे लोहे के स्पान रखे जाएंगे। मदन महल से दमोह नाका के बीच बनने वाले फ्लाईओवर में 2 स्पान हैदराबाद में तैयार हो रहे थे। लोहे के बने इस स्पान को रानीताल और बलदेव बाग में लगाया जाना है। ये ब्रिज हैदराबाद से बनकर आना शुरू हो गए हैं। इनकी लंबाई अधिक होने के कारण इन्हें कई टुकड़ों में ट्रक से लाया जा रहा है।